हेलो एवरीवन, इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ। यदि आपके पास रियलमी का कोई भी डिवाइस आप वेट कर रहे थे कि उसमें अगस्त मंथ का न्यू वर्जन का अपडेट स्टेबल अपडेट कब से रोल आउट होना स्टार्ट होगा और कौन कौन से डिवाइस को रियलमी वाई 2.0 और एंड्रॉयड 11 का अगस्त मंथ में स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा और कब से देखने को मिलेगा, मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ। सभी डिवाइसों को मैं बताने वाला हूँ कि कब से अपडेट जाकर देखने को मिलेगा और कौन सा न्यू वर्जन देखने को मिलेगा, मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक जरूर वॉच कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगस्त मंथ में कौन कौन से डिवाइस को सबसे पहले अपडेट देखने को मिला है। तो सबसे पहले अपडेट की बात की जाए तो यदि आपके पास रियलमी 6 एंड 6i की डिवाइस है तो उसमें C.11 का बीटा वर्जन अपडेट रोल आउट कर दिया गया है अगस्त मंथ में। तो यानी रियलमी 6 एंड 6i को अपडेट देखने को अगस्त मंथ में मिल गया है। इसके बाद बात की जाए स्टेबल अपडेट की, कौन कौन से डिवाइस को अगस्त मंथ में स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको रोडमैप द्वारा समझा दे रहा हूँ, रियलमी वाई 2.0 का जो रोडमैप है आपसे लिए देखने को मिला था उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देख रहे होंगे सबसे पहले रियलमी X15 Pro, तो इसको स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। इसके बाद दिसंबर में बात की जाए तो रियलमी 6 Pro, रियलमी 7, रियलमी नार्जो 20 Pro एंड रियलमी X2 Pro, इन डिवाइसों को भी रियलमी वाई 2.0 एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। लेकिन रियलमी 7 और रियलमी नार्जो 20 Pro को इस मंथ में यानी 15 अगस्त के बाद रियलमी की ओर से C.10 का न्यू अपडेट रोल आउट किया जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज देखने को मिल जाएगा रियलमी 7 एंड रियलमी नार्जो 20 Pro को। तो इस डिवाइसों को इस मंथ में अपडेट देखने को मिल जाएगा यानी मिड अगस्त से इन डिवाइसों के लिए न्यू वर्जन का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद बात की जाए अपडेट की तो अगला जो अपडेट देखने को मिलेगा आपको रियलमी 7 Pro एंड रियलमी नार्जो 20। तो रियलमी नार्जो 20 और 7 Pro को स्टेबल अपडेट ऑलरेडी C.11 का देखने को मिल गया है और रियलमी 7 Pro में C.21 और C.22 का अपडेट देखने को मिला है। लेकिन इस मंथ के एंड तक इन डिवाइसों को भी C.11 के बाद C.12 या C.13 का अपडेट देखने को मिल सकता है रियलमी नार्जो 20 में। इस मंथ का सिक्योरिटी पैच जरूर देखने को मिलेगा इन दोनों डिवाइसों को। इसके बाद बात की जाए स्टेबल अपडेट की, कौन कौन से न्यू डिवाइस को स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर रियलमी 7i, रियलमी 6i, रियलमी नार्जो 10, यानी रियलमी 6i एंड नार्जो 10 को इस मंथ में स्टेबल अपडेट इस मंथ के एंड में यानी अगले मंथ के स्टार्ट में देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात की जाए अगले अपडेट की तो यहाँ पे देख रहे होंगे रियलमी X3, रियलमी X3 सुपर जून और रियलमी X2 एंड रियलमी 6 एंड रियलमी C12। तो रियलमी C12 को ऑलरेडी स्टेबल अपडेट C.4 का देखने को मिल चुका है लेकिन रियलमी 6 को अभी बाकी है मिलना। इसके बाद बात की जाए अगली डिवाइस की तो यहाँ पे देख रहे होंगे रियलमी X, XT, रियलमी 3 Pro, रियलमी 5 Pro एंड रियलमी नार्जो 20। तीन डिवाइसों में अभी ओपन बीटा का ही अपडेट देखने को मिला है, हमें नहीं लगता कि अभी इन डिवाइसों में C.7 या C.9 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो इसमें जो न्यू अपडेट आएगा वो बीटा अपडेट अभी देखने को मिलेगा, आपको स्टेबल अपडेट अभी देखने को नहीं मिलेगा इन डिवाइसों के लिए क्योंकि इसमें अभी ओपन बीटा ही चल रहा है। तो बस इतने ही डिवाइस को इस मंथ में अपडेट देखने को मिलेगा न्यू वर्जन का।